मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी। मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों पर जीत पाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मेरे लिए भी आई। कहीं मैंने सुना कि आप 2 साल तक आप कमरे में से बंद रही, कमरे में से नहीं निकली, ऐसा क्या? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी मुझे कुछ नहीं, तो उसमें मेरे मेज में क्वेश्चन भी छूट गए थे काफी, तो मैंने तैयारी सारी ऑनलाइन ही की है अपनी पूरी। अच्छा। हाँ, ये था तो जो इंटरव्यू चल रहा है वो मेरा 2021 का इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू है, और वो भी एस्पिरेंट सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगी, UPPCS 2022 में 365 बच्चे करीब पास आउट हुए, जिनमें फर्स्ट पोजीशन पर जो बेटी है वो फर्स्ट पोजीशन पर वो आई है, दिव्या सिकरवार। आज हम उनके साथ बैठे हैं। मज़े की बात यह है कि 2022 UPPCS में जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो हाईएस्ट रैंकर बच्चे हैं वो मोस्टली गर्ल्स हैं। टॉप 10 की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर बॉयज़ और गर्ल्स में देखें तो गर्ल्स की है। तो ये महिलाओं का प्रभाव रहा है इस इंटरव्यू पर और इस परीक्षा पर? जी बिल्कुल, टॉप 10 में 8 लड़कियाँ हैं। हाँ, जो बहुत खुशी की बात है। दिव्या, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA न्यूज पर। क्या फील कर रही हैं आप जब आपने UPPCS क्लियर किया और आपको ये पता चला कि मैं, मतलब क्लियर करना एक अलग चीज़ होती है और आप फर्स्ट पोजीशन पे हैं, इसकी खुशी कैसे हुई? हाँ, बहुत खुशी हुई थी जब मैंने, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन बिल्कुल बार बार फोन चेक कर रही थी मैं। शाम के टाइम रिजल्ट आया तो उस समय घर पे मम्मी पापा ही थे, तो मैंने जैसे ही रिजल्ट चेक किया सबसे पहले मम्मी ही थी, तो मम्मी को बताया। पहले तो अपना नाम देखा, 2-3 बार देखा, रोल नंबर मिलाया, फिर मम्मी को बताया। मम्मी, मतलब पहले बार विश्वास नहीं हुआ होगा कि मेरा ही नाम है या नहीं। जी जी, मम्मी थी, फिर दोस्तों को फ़ोन किया, भाई को, पापा थे, सबको बताया, तो फिर सबको धीरे धीरे पता चला, पापा भी गए दिखाए, तो सबने बहुत, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी। ये तो था कि इस बार कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, पर फर्स्ट का तो नहीं सोचा था, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं तो अभी भी यकीन नहीं होता है, ऐसा लग रहा होगा अभी कि सपना देख रहे हैं, मुझे सपने में सब कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, तो दिव्या, घर में और कौन कौन है? घर में दादी है, माँ, पापा और 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, आपसे छोटे हैं बड़े? छोटे हैं। अच्छा, आपसे छोटे हैं, तो फिर हुक्म आपका चलता है घर में? नहीं नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं, हुक्म नहीं चलता। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जो बड़ा होता है, भाई हो या बहन हो, तो उसका हुक्म चलता है बाकी दूसरे भाई बहनों पर कि नहीं, मैं जो कहूँगा वो होगा या मैं जो कहूँगी वो होगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी सफलता में तो मेरे भाई के बहुत सहयोग है, मुझे बहुत सपोर्ट करता था। जब कभी भी मैं निराशा आती थी कभी कभी मन में, तो फिर वह उसको कॉल करती थी कि, तो फिर वो मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं दीदी, हो जाएगा, लगी रहो। तो क्या करते हैं भाई? अब भाई मेरा बड़ा वाला पुलिसमैन, यूपी पुलिस। अच्छा, वो कब सिलेक्शन हुआ था उनका? उनका 2019 में वो इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अच्छा, और उनसे छोटे? उनसे छोटे अभी पढ़ ही रहे हैं घर। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ते हैं और घर का काम, घर पे ही रहते हैं काम। तो पिताजी क्या करते? पिताजी मेरे BSF से रिटायर हैं और अभी खेती बाड़ी का काम करते थे। आपका जो गाँव मैंने देखा, काफ़ी, अगर काफ़ी पिछड़ा नहीं कहेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, एक रूरल एरिया है जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, और वहाँ से फिर कैसे इतना सब कुछ पढ़ाई करने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं हम, ये इजी नहीं होता है फर्स्ट रैंक ला पाना। पूरे UP में आपने फर्स्ट रैंक लाई है, तो कितनी मुश्किल रही पढ़ाई, कितनी मुश्किल रही, क्या क्या मुश्किलें आई, उन सब के बारे में थोड़ा सा? जी, मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों पर जीत पाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। मेरे लिए भी आई, जीता वही। हाँ जी, जो जीता वही सिकंदर, तो मेरे लिए भी थी। सबसे पहले तो मुझे यही गाइडेंस, क्योंकि इस परीक्षा में गाइडेंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, गाइडेंस से ही यह परीक्षा पास की जा सकती है, तो वही जब था कि किस, कहाँ से करें अपनी तैयारी, गाइडेंस, क्योंकि घर पे इस क्षेत्र में कोई नहीं था, फ्रेंड सर्कल में इतना भी जब थे वो नहीं थे, वो जानकारी नहीं थी, तो इसी के लिए फिर मैंने ऑनलाइन माध्यम से सर्च किया, तो मैंने तैयारी सारी ऑनलाइन ही की है अपनी पूरी। अच्छा, हाँ, ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की? नहीं, ऑफलाइन नहीं की।
तो जब कोई साथ में नहीं था, आप जैसे कह रहे हैं कि माहौल नहीं था, तो साथ में ये रहता है कि फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में हम बैठ करके पढ़ते हैं, तो एक साथ में एक कोऑपरेशन भी बनता है। और पढ़ाई में ये भी है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में कंसल्ट करके उसको डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब भी फिर मुश्किलें आई होंगी जब ऑफलाइन नहीं कोई सर्कल था आपका। तो जी जी, यही मुश्किलें थोड़ी सी आई थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर मैं क्लासेज करती थी, तो उन्हीं जो मैं पढ़ाते थे सर, वहाँ पर मैं अपने डाउट क्लियर करती थी जो भी होते थे। अच्छा, सब मोस्टली होता है बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनको ये रहता है कि ऑफलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन पढ़ाई दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। और कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें एकदम बहुत अच्छा उछाला है, और लोग ये समझे हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है। तो ऑनलाइन पढ़ाई में डाउट जो हमारे रहते हैं वो क्लियर होते हैं, ऐसे ही जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूछ। हाँ, क्योंकि जो क्लासेज होती हैं उनमें ये सुविधा हमें दी जाती है कि हम अपने डाउट क्लियर कर सकें कमेंट के माध्यम से, और भी फीचर्स होते हैं उन सब के माध्यम से। तो कितनी अभी एज क्या है आपकी? मेरी अभी 27। 27, तो 27 में से कितने साल आपने बचपन में खेल कूद में गुजारे, और पढ़ाई का कीड़ा कब से आपके अंदर आया? बचपन में खेल का ये था कि ज़्यादा मुझे खेल का इतना वो नहीं था, खेल में ज़्यादा रुचि नहीं, रुचि नहीं थी, पर ये है कि अपना थोड़ा बहुत घर में घूमना फिरना, बात करना दादी से, बात दादी हमारे साथ रहती है तो उनसे बात करना और मम्मी से बात करना, यही सब फ्री टाइम में। थोड़ा टीवी थी तब तो देख लिया थोड़ा। क्या देखते थे टीवी? जो भी सीरियल उस टाइम चलते थे, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं देखी। तो यही लास्ट टीवी कब देखा था? सर ऐसे तो मुझे याद नहीं, पर यह है 1 ईयर हो गया होगा, तब से टीवी हट भी गई थी घर में अभी है। अच्छा, आपने हटा दिया था? नहीं, मैंने नहीं हटाई थी, क्योंकि वो खराब हो गई थी इसलिए फिर सही नहीं कराए आप? नहीं, अब पढ़ाई करेंगे तो सही नहीं करें। नहीं नहीं, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, वो तो अभी बच नहीं पाया वो। तो पढ़ाई पे फोकस आपने कब से, आपने ये सोचा कि नहीं मुझे प्रशासनिक में ही जाना है और प्रशासनिक परीक्षा मुझे पास करनी है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ कब सोचा? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में ही, ग्रेजुएशन के बाद क्या किया? फाइनल के टाइम, अब फाइनल मेरी थी उसी टाइम में सोचा था ग्रेजुएशन का, वो सॉरी सिविल सर्विस के लिए, और फिर पर उसके बाद मैंने तैयारी नहीं की थी, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी। अच्छी, हाँ, उस समय माहौल नहीं बन पाया, तो मैंने फिर जो पीएल ग्रुप था वो सब कर रहे थे, तो उसी टाइम उतना नहीं था, तो मैंने एमएससी की, फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी की एमएससी करने के बाद। अच्छा, मैंने कहीं सुना कि आपने बीटीसी करने की कोशिश की थी? नहीं नहीं, बीटीसी नहीं की थी, मैं बीएड में एडमिशन लिया था, वो भी मेरी इनकम्प्लीट रह गई, क्योंकि जिस समय मेरे हमारे बीएड के मेन एग्जाम थे, तो उस समय इसका मेंस था जो 2022 का, 2022। अच्छा, मेंस के एग्जाम चल रहे थे तो मुझे वो एग्जाम छोड़ने पड़े। फिर आपने बीएड का एग्जाम छोड़ दिया, मेंस को प्रेफरेंस दिया? सर ओके, बहुत अच्छा। तो आप कैसा महसूस करती हैं आप, कि आप एक जहां आप दूसरों को प्रेरणा लेती थी दूसरों से, और अब आप खुद एक ऐसे स्टेज पे खड़े हो कि लोग आपसे प्रेरणा लें, तो क्या मैसेज आप उन बच्चों को देना चाहेंगी कि उनको तैयारी कैसे क्या करनी चाहिए? जी सर, जब मैंने ये तैयारी करने के फेज में आई थी, मैं भी वीडियोस यूट्यूब पे ही देखती थी जैसे सभी बच्चे देखते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए कैसे क्या, तो यही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो बच्चे कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन चूंकि इंटरनेट है और यूट्यूब है, ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो क्या फ्री कंटेंट से भी पढ़ा जा सकता है, या फिर पढ़ाई करने के लिए पेड कंटेंट की भी ज़रूरत? नहीं नहीं, बिल्कुल इतना सारा फ्री मटेरियल उपलब्ध है, लेकिन हमें जो आवश्यकता अनुसार है, ऐसा नहीं कि सारा मटेरियल हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इस तैयारी में हमें अपने रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने होते हैं, जिससे हमारा इतने हमें करना है, इतने हमारा कंटेंट रिच हो जाए, हर चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती, क्या उससे तो फिर हम बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यही है, जो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट करना होता है हमें सबसे पहले, तो बस वही है, लिमिटेड रिसोर्स रखने हैं, और ऑनलाइन यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, उससे भी ये तैयारी की जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोचिंग के माध्यम से या पेड कोर्सेज के माध्यम से ही हम तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपर हुए हैं जिन्होंने तैयारी की है, और बहुत सारे बच्चे भी निकलते हैं जो बिना विदाउट कोचिंग भी करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी से। और कुछ घर पे, घर के बारे में कुछ बताइए, कुछ लोग परिवार के बारे में कुछ बताइए।
घर में माहौल ठीक है, सब सपोर्ट करते थे मुझे पढ़ने में। दादी भी सपोर्ट करती थी, पिताजी, माताजी तो मुझसे कुछ काम नहीं कराती थी। कभी कभी मेरा ही मन होता था तो मैं कर लेती थी, जब पढ़ने में मन नहीं लगता था तब। हाँ, और हमारी एक चीज़ होती है कि बेटियों को आगे बढ़ने में रोका जाता है, तो गांव में कुछ लोग जो कुछ कमेंट्स करते हैं और कि बेटी है तो ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, पढ़ने आप जाती होंगी कहीं। मैंने सुना कि आप आगरा जाती थी पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ग्रेजुएशन की थी वहाँ से, तो उसमें कोई मुश्किल आई? कोई सहेली साथ में यहाँ से गांव से जाती थी? जी हाँ, जाती थी, यहाँ साथ में मेरी फ्रेंड्स थी, तो वो भी अपना अपना हर चीज़ की है, तो हम आराम। आगरा कहाँ, कौन से कॉलेज से कर? सेंट जॉन्स कॉलेज से किया। सेंट जॉन्स कॉलेज से, तो कितना किलोमीटर रहेगा यहाँ से? फिर यहाँ से ऐसे लगभग 20-25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो कैसे जाते थे, बस से? नहीं सर, ऑटो से जाते थे, बस से डाउन। ठीक है। कहीं मैंने सुना कि आप 2 साल तक आप कमरे में से बंद रही, कमरे में से नहीं निकली, ऐसा क्या जेल की तरह बंद कर रखे? क्या सीन था वो? कमरे में मैं मोस्ट ऑफ टाइम पढ़ाई, रूम अपना रूम था तो वहीं बैठ के ही पढ़ती थी, अपना काम किया जो भी है, खाना पीना, फिर रूम में बैठ के ही पढ़ा, तो वो इतना सेंस वो कमरे में बंद रहती थी, ऐसा नहीं कि बंदी थी। अच्छा, नहीं यूट्यूब पे चल रहा है कि 2 साल तक कमरे में बंद रहती थी? तो रूम अपना, मेरा जो खुद सेल्फ स्टडी का रूम, हमें जहाँ पढ़ना है तो हमें अपना सारा बुक्स रखनी पड़ती हैं सब, तो वही था, मैं अपने रूम में ही पढ़ती थी, तो वही चल रहा होगा। अच्छा, तो दिन में लगभग कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? घंटे का सर जैसे इस तैयारी में लगभग 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही होती है। अगर हम कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो वो फिर उसके बाद का अपना 4 से 5 घंटे का अपना सेल्फ स्टडी, तो वही लगभग वही करते हैं दिन में 8 से 10 घंटे। हाँ, पूरे दिन। बाकी के टाइम क्या? बाकी के टाइम में अपना सोने का है, खाना पीना। कितने घंटे सोना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जी, कि बच्चे जो हैं वो पढ़ते तो है ही, साथ में सोना, क्योंकि कहा गया कि 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, और लेकिन आजकल जब हम बच्चे देखते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर वो अपने ऊपर इतना लेते हैं कि वो रात रात भर 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर सवेरे 4 बजे से उठ के फिर पढ़ रहे हैं, तो क्या शेड्यूल होना चाहिए एक हेल्दी एजुकेशन का, क्या शेड्यूल होना चाहिए? नींद तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोएंगे नहीं प्रॉपर तरीके से तो हमारा दिमाग भी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा, उस पर फिर हमारे काम पर ही इफेक्ट पड़ेगा, तो लगभग जैसे ही बताते हैं 6 से 7 घंटे की नींद तो हमें लेनी ही चाहिए। आप कितना लेते हैं? मैं भी इतनी ही, 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे, कभी कभी 8 हो गई बस, इतने में मैं अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर लेती हूँ। सुबह कितने बजे जगना रहता है? जगने का सर ऐसे प्रॉपर टाइम नहीं है, लगभग 6 बजे के समथिंग तो भी उठ ही जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हो देर तक सोती रहेगी मम्मी की वो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर कभी कभी सो भी जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी मुझे कुछ नहीं। घर के काम के लिए मम्मी ने कभी कहा हो जाके चाय बना के लाओ मुझे? अच्छा, ये तो सब आता ही होगा ना, घर पे काम करना था? हाँ, आता है, सारा काम करती हैं आप, और उसके साथ पढ़ाई के भी समय निकाला आपने? नहीं, मैं प्रॉपर करती नहीं थी, वैसे तो मम्मी का सारा काम करती थी, लेकिन मैंने, मुझे आता है, किया सब, हाँ किया है, जानती हैं सब कुछ। तो अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपने करे हैं? ये मेरा 3रा था, मैंने 20 में दिया था, 21 और ये 22 का। तो इस बार लगता था आपको कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरा जो 2020 का अटेम्प्ट था उसमें मैंने फिल्म्स पे ही ज़्यादा फोकस किया था, मेरे मेंस की अच्छी तैयारी नहीं थी, तो उसमें मेरे मेंस में क्वेश्चन भी छूट गए थे काफ़ी, हर पेपर में मेरे छूट गए थे, तो मेंस नहीं हो पाया था। 2021 में मैंने मेंस की तैयारी ठीक की थी, लेकिन वो फाइनल सिलेक्शन में ही हुआ था, 2 नंबर से रुक गया, और इस बार मेंस भी ठीक था, और जो मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन, क्योंकि मैंने गांव में ही रही हूँ शुरू से, तो थोड़ी मुझे कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सोशल गैदरिंग में नहीं भी जाती हूँ, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप नेचर था मेरा, तो वो उसको मैंने काम किया 1 साल में, अपने आप को उतना बनाया जैसे मैं अपनी बात रख सकूँ, अपनी बात को सामने को समझा सकूँ, तो वही सब कमियों को मैंने दूर किया, और मुझे इतना था कि इस बार सिलेक्शन कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, अंदर से लगता था, पर फर्स्ट रैंक आएगी इसका तो नहीं सोचा था। मॉक इंटरव्यू देखा मैंने आपका, तो उसमें काफ़ी शाइनेस आपके अंदर दिख रहा था और नर्वसनेस भी काफ़ी दिख रहा था, तो इंटरव्यू देते समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, कैसे इम्प्रूव किया आपने? जी सर, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि 2022 के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, वहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलता है, तो कुछ बच्चों का,
और मैंने एक ऑनलाइन दिया था उनको इंटरव्यू, पर जो मेरा अभी इंटरव्यू चल रहा है वो मैंने 2021 में दिया था। अच्छा। हाँ जी, वो 2021 के लिए मैंने दिया था और इस बार मैंने नहीं दिया था वो। हाँ जी, तो उस समय डायरेक्टली जी हाँ, ये मैंने नहीं, जो वहाँ पर हमारा ग्रुप था एक बच्चों का, चार पाँच बच्चों का, जहाँ पर मैंने एक मैम सर थे अलका मैम, तो वो मैं कराते थे प्रैक्टिस, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। फ्रेंड से मैं अपने करती थी जूम मीटिंग पे ऑनलाइन भी, अब प्रैक्टिस। अच्छा, दोस्तों के साथ में इंटरव्यू करते थे जी, और घर पे भी भाई भाभी सब लोग, मैं ऐसे क्वेश्चन लिख के दे देती थी कि मुझसे ये सब पूछे, तो ये था। तो जो इंटरव्यू चल रहा है वो मेरा 2021 का इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू है, और उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा ही वीक था, तो इस वजह। अच्छा, तो एक साल में इतना इम्प्रूव हो गया, वही मुझे लगा कि दो दिन में कैसे इम्प्रूवमेंट आ गया आपके अंदर। हाँ, तो वो थोड़ा मिस कम हो रहा है। चलिए, तो और सहेली, कितनी सहेली है आपके? है। तो सहेलियों के साथ में कभी घूमने फिरने जाना, या जैसे लड़कियों का रहता है कि नहीं हमें चलो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ पार्टी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, इन सब में इंटरेस्ट है कितना है? हाँ, इंटरेस्ट तो है, लेकिन मैंने अवॉइड किया था उस टाइम, तो काफ़ी गुस्सा भी हो जाती थी, नाराज भी, आप घूमने नहीं जाती हो तुम हमारे साथ में। तो मैंने कहा था अभी मेरी ये मुझे पढ़ाई है, अपने मेरे टारगेट हैं जिनका पूरा नहीं हुआ, तो वो था, लेकिन अब सब ठीक है। चल, एक फास्ट राउंड खेलते हैं। फेवरेट फूड क्या है? हाँ है, तो मुझे वैसे सब कुछ ही अच्छा लगता है। कुछ ही अच्छा लगता है। चलिए, फेवरेट कलर? फेवरेट था मेरा पर्पल। पर्पल। फेवरेट एक्टर? कोई फेवरेट एक्टर नहीं? फिल्म भी देखती हैं आप? नहीं सर, उतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, लास्ट मूवी कौन देखी थी आपने? सर, लास्ट मूवी मैंने सर देखी थी। चलिए, फेवरेट मूवी आपकी? फेवरेट मूवी था जी, मैंने वही देखी थी, KGF 2 देखी थी लास्ट मूवी मैंने, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। अब फेवरेट का तो सब कुछ तो करिए। पुष्पा नहीं देखी आपने? नहीं, पुष्पा नहीं थी। अच्छा, बहुत कुछ आपने बताया, तो अब बस बच्चों को ये थोड़ा सा गाइड करिए कि अगर उन्हें आपकी तरह टॉप करना है तो क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, मैं जो भी एस्पायरेंट सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे यह कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को ईमानदारी से करें, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें, और टारगेट में अपनी तैयारी को डिवाइड करें, तो ये सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आपका, आप हमारे चैनल पर आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, आपने बच्चों को ये भी बताया कि कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए, आगे क्या क्या करनी चाहिए। दिव्या के बारे में हमने सारी बातें जानी, आशा है आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चे और आपके नियर बाई पढ़ रहे हैं, आपके घर में, रिश्तेदार में, दोस्त में, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग इससे कुछ इंस्पिरेशन लेकर के कुछ मोटिवेट हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।